नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ में हूँ। विधानसभा का सत्र चल रहा है और यहाँ पर लगभग एक हफ्ते रहूँगा। नमस्कार मित्रों, बीच में टूट गया था। मैं लखनऊ आया हूँ आज ही फर्रुखाबाद से, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और लगभग मुझे शुक्रवार तक यहाँ रहना पड़ेगा। जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा, मैं लगातार हर शनिवार और हर फर्रुखा इतवार को, हर शनिवार और हर रविवार को मैं फर्रुखाबाद रहूँगा। जिनकी जो भी समस्याएं हैं वो मुझसे फर्रुखाबाद को शनिवार और इतवार को मिल सकते हैं। दूसरा, मैं तो एक महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी। फर्रुखाबाद विधानसभा के विकास के दृष्टि में मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी और उनको यहाँ की जो हाइलाइटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराया था। आप सबके अगर सहयोग हो, आप सबके सहयोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है। आप जानते हैं, थोड़ा सा आप निकलते हैं चौक घूमना, या लाल सराय पे कादरी गेट जाते हैं, या रेलवे रोड जाते हैं, या किसी भी तरफ जाएं, वहाँ पर जाम में फंस जाते हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है जिससे फर्रुखाबाद के चारों तरफ एक रिंग रोड का निर्माण हो जाए। फर्रुखाबाद विधानसभा के चारों तरफ, यानी हथियापुर रेलवे क्रॉसिंग से जो घारमपुर है बाईपास, वहाँ पर, वहाँ से फिर फतेहगढ़ मिले जाके डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ, और पीछे इधर घटियाघाट से अमेठी कोना होती हुई, अर्रा पहाड़पुर रामपुर ढपरपुर होती हुई, ये एक सर्कुलर रोड पूरे फर्रुखाबाद के चारों तरफ अगर हो जाएगी तो इसमें हम लोगों को यातायात में बहुत सफलता मिलेगी। और जो बड़े ट्रक्स हैं, जो बड़ी बसेस हैं, वो बाहर बाहर निकल जाएंगी। छोटे वाहन हम लोगों के, जैसे मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, जैसे फोर व्हीलर्स हैं, ये हम लोग इसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़े खुशखबरी की बात मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे लखनऊ में आज ही मालूम पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक प्रस्ताव किया था, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी किया था, और वो ये था कि हमारे फर्रुखाबाद का जो विद्युत व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जर्जर लाइनों की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आंधी में, तूफान में, बरसात में जो अपने यहाँ बिजली चली जाती है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और बिजली विभाग के लोग जो बहाने मारते हैं कि साहब तार टूट गया, ट्रांसफार्मर जल गया, या आंधी आई इसलिए ये उखड़ गया, हमको बंद करनी पड़ी, इन सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो मैंने आगरा में जो दक्षिणांचल विद्युत निगम का कार्यालय है वहाँ में गया था। वहाँ के प्रबंध निदेशक मिस्टर वर्मा से मैंने मुलाकात की थी और उनसे एक DPR बनाई है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर पूरे फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ नगर में हम इस लाइन को, इस अंडरग्राउंड केबलिंग कराते हैं तो उस दृष्टि में लगभग 270 करोड़ का खर्च आता है सरकार का। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए, हालांकि जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है, वो बजट को देखते हुए उन्होंने 20 करोड़ रुपया पहली किस्त में रिलीज कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं आपके व्यूज़ ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा पैसा आया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में ही हम अंडरग्राउंड केबलिंग करा पाएंगे। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके सुझाव जानना चाह रहा हूँ कि आप फर्रुखाबाद विधानसभा में, यानी फर्रुखाबाद फतेहगढ़ नगरों में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ सबसे पहले ये चाहते हैं कि हम अंडरग्राउंड केबल। मेरा ये कहना है कि जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पर जर्जर तारों की, जर्जर लाइनों की समस्या है, पहले हमको वहां कंसंट्रेट करना चाहिए। या फिर जो व्यापारिक इलाके हैं जहां पर
व्यापार प्रभावित होता है बिजली के ना आने से, वहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए। इन्हीं गाइडलाइंस के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर चाहते हैं कि हम सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग कहाँ कराएं। अगर ये आप मुझे सुझाव देते हैं तो मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों को और जो भी उनके लखनऊ में बैठे आला अधिकारी हैं, MD हैं, CMD हैं, उनसे बात करके वहाँ पहले करवा सकता हूँ। इसी नाते मैंने आपसे संपर्क साधा है। मैं शुक्रवार को तक रहूँगा लखनऊ, शनिवार और इतवार को मैं अपने घर पर रहूँगा फर्रुखाबाद में। आप मुझसे मिलने के लिए किसी के माध्यम से नहीं, सीधे जुड़िए। मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए, 94151 46477, 94151 46477। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, 94151 46477। इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे फ़ोन करके अगर अपने आप बुलाना चाहते हैं तो मैं आपके यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं शनिवार और इतवार को रहूँगा। किसी के माध्यम की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे चुना है। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका भरोसा मुझे मिला है, इसलिए मैं सीधे आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इसी नाते मैं फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ। और अपने मित्रों को बताइए कि जब फेसबुक लाइव पे मैं आया करूँ तो अपनी समस्याओं को फेसबुक के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक भेजें, जिससे मैं और सुधार कर सकूँ अपनी वर्किंग में, अपनी कार्यशैली में। और आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ वो दे के जाऊँ जो आपने कल्पना की होगी, अगर स्वर्गीय बृंदा द्विवेदी हमारे पिताजी जीवित होते तो जो तोहफा, जो जो पुरस्कार इस फर्रुखाबाद को मिलते, उसकी कुछ झलक मैं दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।